नमस्कार, अभी हम मशीन पर काम कर रहे हैं 142,000 BTU का, और ये सिंगल LG पैकेजर कंडीशन है जो 142,000 BTU का है। अगर इस मशीन में अगर CH18 आता है तो हम क्या करें, यानी CH18 का मतलब होता है सिस्टम ए का हाई प्रेशर बढ़ना। और सिस्टम ए का हाई प्रेशर कब बढ़ेगा कि हमारा या तो कंडेंसर फैन ख़राब है तो हमारा हाई प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब कंडेंसर फैन ख़राब रहेगा हमारे यहाँ पे, ये हमारा कंडेंसर फैन यहाँ पे, इन दो ये दोनों है और एक उधर है, यानी वो सिस्टम ए का कंडेंसर फैन है और ये सिस्टम बी का कंडेंसर फैन है हमारा, जबकि दोनों भी काम करता है सिस्टम और बी के रनिंग में, ठीक है। तो अगर उधर वाला हमारा जो फैन मोटर है, कंडेंसिंग फैन मोटर, वो अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो ब्लॉक हो गया या जाम हो गया, इसका मोटर ख़राब हो गया, कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो वो बंद रहने के बाद हाफ पोजीशन जो होता है हमारा, हाफ पोजीशन हीट होगा, हाफ उधर कोल्ड होगा, ठीक है, यानी उधर हॉट होगा इधर कोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा गर्म बाहर निकल जाएगा। तो इस पीरियड में क्या होता है कि अगर उधर का पंखा ख़राब है तो हमारा CH18 आएगा, ठीक है। तो हम मशीन पे जैसे आते हैं, CH18 आता है तो हम पहले पंखे को घुमाएंगे, पंखे घुमाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पंखा ख़राब है। अगर ये पंखा ख़राब है चाहे वो पंखा, दोनों में से कोई एक भी ख़राब है तो भी CH18 आएगा, ठीक है। तो हम पंखे को चेक करेंगे, पंखा चेक करने के बाद पंखा हमारा ओके है, कंटिन्यूटी ओके है, कैपेसिटर ओके है, मूविंग ओके है, यानी फ्री मूविंग में है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रेशर लाइन है जो दोनों हाई प्रेशर लाइन है, ठीक है, और ये सर्किट ए का है और सर्किट बी का, और सर्किट ए में हमारा CH18 आता है, ठीक है, CH18 आएगा हमारा जो हाई प्रेशर साइड में। तो अगर हमारा पंखा सही है, दोनों पंखा सही है, तो हम ये जो हमारा CH18 का अगर आता है तो हम ये जो सर्किट ए का जो हाई प्रेशर स्विच है, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो ये ब्लू लाइन है उसकी कंटिन्यूटी हम यहाँ से चेक करेंगे। देखिए, ये जब डिस्प्ले पर हम आते हैं, सॉरी सर्किट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमको दो कलर मिल रहे, दो लाल और दो ब्लू। तो हमको इसमें से ब्लू वाला, यानी सर्किट ए का हाई प्रेशर स्विच का जो वायर है ये ब्लू वाला, हम इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से हम चेक करेंगे। मान के चलिए कंटिन्यूटी हमारा सही है, तब हम क्या करें, कंटिन्यूटी हमारा सही है, अगर कंटिन्यूटी सही है तो हम 100% मान लेते हैं कि हमारा ये सर्किट ए का हाई प्रेशर जो स्विच है ये प्रॉपर काम कर रहा है, यानी ऑन है। इस पीरियड में पंखा हमारा सही है, स्विच की कंटिन्यूटी हमारा ओके है, तो हम क्या करें, इसको पूरा कवर करेंगे, बेल्ट भी चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी बेल्ट टूटता है तो हमारा वहाँ पर लो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से लो प्रेशर तो वहाँ से तुरंत हमारा बताएगा, लेकिन कभी कभी बेल्ट टूटता है तो CH हाई प्रेशर भी यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि हाई प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर हमारा अगर इसका फैन मोटर ओके है, स्विच ओके है, तो पूरे मशीन को पैक करें, पैक करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये जो हमारा सर्किट ए का हमारा ये वाला हाई प्रेशर स्विच लाइन है, हाई प्रेशर लाइन, तो हम यहाँ पे गेज का जो हाई प्रेशर साइड होता है हम उसको यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। और रनिंग पीरियड में ये मैक्सिमम 350 के आसपास होगा, ठीक है। अगर इसका ये हाई प्रेशर, मैं हाई प्रेशर बता रहा हूँ, अगर लो प्रेशर इसका 50-55-60 है तो ये करीबन 300-350 के आसपास होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका हाई प्रेशर स्विच चेक करते हैं। दूसरी बात कि अगर हमारा ये हाई प्रेशर स्विच, अगर ये वाला जो हाई प्रेशर स्विच हमारा ये ओके है, गैस हमारा वहाँ से सही है, हाई प्रेशर बिल्कुल ओके है, रनिंग में भी फिर हमारा CH18 आता है, तो हम क्या करें, अगर सब गैस होने के बाद, ओके होने के बाद, हमारा प्रेशर स्विच ओके होने के बाद, पंखा ओके होने के बावजूद अगर हाई प्रेशर आता है तो हम क्या करें, उस अगर उस पीरियड में भी हाई प्रेशर आता है तो हम ये जो कॉयल है हमारा, इस कॉयल की कॉयल को हम चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक कॉयल बिल्कुल डस्ट से भर जाता है, जब डस्ट से भर जाता है तो ऑटोमेटिक इसमें हाई प्रेशर डाउन अप हो जाएगा, ठीक है, हाई प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर हाई प्रेशर बढ़ता है तो उस पीरियड में हमको ये पूरा क्लीन करना होता है, जब पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है तो फिर हम फिर दोबारा चेक करते हैं, पूरा कॉयल हमारा क्लीन हो गया, पंखा हमारा सही है, सर्किट एक का हाई प्रेशर स्विच हमारा ओके है, बंद पीरियड में गैस भी ओके है, चालू करने के बावजूद भी हमारा अगर CH18 आता है एक घंटे दो घंटे डेढ़ घंटे बाद या दिन में या रात में जब भी, तो हमको क्या करना होता है कि ये जो हमारा जो स्विच है, ये स्विच हाई प्रेशर स्विच सर्किट ए का,
हमें इसको चेंज करना पड़ता है, और इसको इसके लिए हमको यहाँ से पंच करेंगे, यहाँ से काट के बाहर निकाल देंगे और फिर ब्रीजिंग करके हम इसको दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में हमको यहाँ पर CH18 का सॉल्यूशन हो गया हमारा।